सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ जिला स्थित मौलाना अबुल कलाम चौक के समीप मैदान में जिला कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार विकास की सभी कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रही है। देश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है, राज्य में भी सरकार बनने के साथ ही इस संकट के आने के बाद विकास की रफ्तार पर भी इसका असर पड़ा है, परंतु सरकार अपने संकल्प के साथ विकास कार्यों को धरातल पर उतार रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना व दीदी बाड़ी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के साथ राज्य से कुपोषण भगाने का लक्ष्य रखा गया है। लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों को घर लाने का कार्य किया है, उन्हें उनके गांव में ही रोजगार देने का भी कार्य किया है। जिले में पत्थर उद्योग मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने का एकमात्र साधन है और यह कारोबार एवं उद्योग बेरोक टोक चल सके, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष उदय लखमानी, ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष आमिर हमजा, जिला ओबीसी प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव अश्विनी आनंद, वरिष्ठ कांग्रेसी अली अकबर, उपाध्यक्ष क्रमशः गुलाम अहमद आदि मौजूद रहे। किसान का बेटा आज भी सब धान जो है जमीन से आया कि नहीं उसका हिसाब कहाँ आ रहा है, वही शायद भी तो नहीं जानता हमको जो किसान का बेटा है कि नहीं। अब उसका दुष्प्रचार जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्यों कर रहे हैं? जब भारत में जो पहले से एक नियम कानून बना हुआ था, लोग किसान कहते हैं, 7,000 करोड़ किसान कहते हैं, जो मुझे परिवर्तन नहीं चाहिए। अगर तुमको कुछ करना है हमारे लिए तो मेरे बेटा का जो स्कूल में पढ़ता है उसका फीस माफ़ कर दो, या जो किसान जो डीजल खरीदते हैं उसका डीजल का दाम कर दो, उस पर आप सुनवाई नहीं करते हैं। आप दे देते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना को डी होल्डिंग करने का छूट दे रहे हैं। एक नियम बना हुआ है 3 महीने तक 90 दिन तक ज़्यादा कोई भी अनाज को नहीं रख सकता है, अब डी होल्डिंग का कोई नियम नहीं बना है। साल भर रखेगा जब